अतिक्रमण के नाम पर पुलिसिया तांडव, पड़ा दिल का दौरा। खबर, भदोही जिले के ज्ञानपुर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुलिस की मनमानी देखने को मिली है। आरोप है कि पुलिस दुकान से सामान उठा ले गई और इस दौरान दिव्यांग दुकानदार से गाली गलौज भी किया, जिससे दुकानदार को हार्ट अटैक आ गया और उन्हें गंभीर हालत में वाराणसी में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है, इससे नाराज व्यापारियों ने ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग को जाम कर जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के नगर का है, जहां तहसील रोड पर दिव्यांग ताराचंद पटवा की गिफ्ट कार्नर की दुकान है। दुकान को पटवा के साथ उनके तीन बेटियां संचालित करती हैं। आरोप है कि इसी दौरान ज्ञानपुर कोतवाली के कस्बा इंचार्ज पुलिस के साथ दुकान पर पहुंचे और अतिक्रमण के नाम पर दुकान से सामान बोरे में भरकर उठाकर ले जाने लगी। इस दौरान लड़कियों के मना करने पर पुलिस द्वारा गाली गलौज करने और दुकान बंद कराने की धमकी भी दी गई। यह सब देख दुकानदार ताराचंद को हार्ट अटैक आ गया। स्थानीय लोग उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया। उनकी बेटी ने बताया कि नगर पंचायत प्रशासन द्वारा चेतावनी पर दुकान तय सीमा के अंदर लगाया जा रहा था, इसके बावजूद पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर दबंगई दिखाई है। यही तरीका आसपास के दुकानदारों के साथ भी अपनाया गया। ताराचंद को 5 बेटियां हैं और उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद पूरा परिवार बेहद दुखी है। वहीं आक्रोशित व्यापारियों ने इस मामले को लेकर सड़क जाम कर दिया है। आपको बता दें कि आधे घंटे जाम के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराया। वहीं इस मामले में पुलिस का पक्ष जानने के लिए एसपी को फोन किया गया, लेकिन किसी मीटिंग में होने के कारण उनका फोन नहीं उठा। आइए देखते हैं यूपी के भदोही से संवाददाता अनंत देव पांडे की खास रिपोर्ट। सालू पटवा, सालू ये बताओ हुआ क्या था आज वहाँ? अरे मेरा दुकान हटवा रहे थे, जबकि हम लोग शटर के अंदर, वो दो तीन मतलब बहुत दिन से बोल रहे थे दुकान हटाने के लिए। एसडीएम मैडम भी आई थी, हम हटवा दिए दुकान शटर के अंदर भी है, नाली के अंदर, फिर भी वो नाली के वहाँ शटर के अंदर से सामान हटा के बोल रहे तुम लोग बाहर लगाइए दुकान, कहाँ लेके जाए, छोटी सी तो मेरी दुकान है। तो आज कौन कौन आया था? नगर पंचायत के लोग थे कि पुलिस वाले? पुलिस वाले लोग थे। क्या बोले आते ही, क्या बोले? आ रहे कह रहे कि पहले दुकान हटाओ, ऊपर से कह रहे अगर नहीं हटाएंगे दो दिन के लिए जेल ले जाएंगे, तुम लोग को कॉन्स्टेबल बुला के हटवा देंगे तब तुम लोग को समझ में आएगा। गाली वगैरह भी? हाँ बोल रहे थे मेरे पापा को, अगर पापा को हटा देते हम, पापा वो लोग आते तो पापा को हटा देते, नहीं तो मेरे पापा को आप सब तो बोलते अगर बोलो भी पैर उनका खराब है, कुछ नहीं कर सके, पैर उनका हम सही कर देंगे ना, सही करके बुलाएंगे उनको। फिर पापा के साथ क्या हुआ? पापा को मेरे अचानक से भाई बोलने लगे, सब तो बोले एक दो बार हम लोग को, तो हम पापा इसी पे मेरे चिल्लाने लगे तो उनको अचानक से चक्कर आ गया। गाली उली दे रहे थे? हाँ गाली भी दिए थे। उसका तो अभी क्या स्थिति है, पापा के कहाँ एडमिट? अभी पापा भदोही गए थे, भदोही से रेफर करके बनारस गया है। क्या दिक्कत है पापा को, क्या दिक्कत है? हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्या, वो भी हम देखे नहीं है। अच्छा तुम्हारी दुकान है, उसको कौन चलाता है? कौन मेरे पापा, हम ही लोग चलाते हैं, भाई तो है नहीं, हम ही लोग बहन है, 3 बहन, हम ही लोग दुकान चलाते हैं, कोई नहीं चलाता दुकान। मम्मी हमारी है, मम्मी तो थी नहीं, मम्मी अभी सामान भी तो उठा ले गए, सामान उठा के बोरे में भर के सामान लेके गए, उन लोग की इतनी औकात खुद देखिए पहले आप लोग। सामान अंदर का लेके गए पूरा? हाँ दुकान के बाहर शटर तक लगा था सामान, वहाँ से उठा, बोले कि शटर के बाहर लगाओगे फिर 2 दिन में आएंगे फिर उठा ले जाएंगे, नहीं समझोगे कि दुकान भी बंद करवा देंगे, दुकान का सामान भी ले जाएंगे। क्या लेके गए सामान, क्या ले गए? बड़े बड़े महंगे महंगे फोटो फ्रेम वगैरह थे। कितने लोग थे पुलिस वाले? कितने लोग थे? 10 लोग थे कम से कम, 10 पुलिस वाले थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।